हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीमा क्रिएटिव आइडियाज़। आज मैं लेकर आई हूँ छोटे बच्चों के लिए दो तरह की ब्रेकफास्ट रेसिपी। हर बार हर माँ को यही चिंता रहती है कि सुबह शाम अपने बच्चे को किस टाइप का हेल्दी नाश्ता दे, ब्रेकफास्ट दे, जिससे कि उनको खाने में भी अच्छा लगे और उनके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो आज मैं इसी के लिए दो तरह की ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। साथ में मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी लिया है। सूजी मैंने रॉ लिया है, यह इसको मैं बाद में भूनूंगी। और मैंने यहाँ पे एक गाजर का इस्तेमाल किया है। गाजर को मैंने देखिए आधा हिस्सा लिया है और इसको छील के ऐसे पतले पतले पीसेस में काट लिए हैं। अब मैं इसको पीस लूँगी एक स्मूथ पेस्ट। साथ में देखिए सूजी में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चीनी और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। और देखिए, जो मैंने गाजर का स्मूथ पेस्ट बनाया है इसको भी इसमें डाल दूँगी। आप सूजी को थोड़ा भून भी सकते हैं, नहीं तो इसे सीधा ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए गाजर को। अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी। इसमें गरम पानी का ही इस्तेमाल करिए ताकि जो हमारी सूजी है वो पहले से थोड़ी सी पक जाए और बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। गरम पानी डालने से हमारी सूजी जो है अच्छे से फूलेगी भी। इसको अच्छे से मिला के 5-7 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। इसको रख देते हैं हम ढक के 5-7 मिनट। तो देखिए 5-7 मिनट के बाद हमारी जो सूजी है वो फूल चुकी है बहुत अच्छे से। अब मैंने एक अप्पे पात्र को गैस पे चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए। इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। हमें बच्चों को ज़्यादा तेल वाली चीज़ें भी नहीं खिलानी चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत कम तेल यूज़ होगा, बच्चों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए इसमें हम अपना बैटर डाल देंगे। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, इस रेसिपी को तवे पे भी बहुत कम तेल में इसे सेक सकते हैं। सारे बैटर को इसमें डाल दीजिए ऐसे। अब इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2-3 मिनट बाद इसको मैंने एक बार ऐसे पलट दिया है। देखिए कितना अच्छा बना है। एक बार इसको हम और पलटेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से हम इसे फ्राई करें, फ्राई हो जाइए। देखिए मैंने इसको एक बार और फ्राई कर लिया है पलट के। ये कितना अच्छा बन चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये पूरी तरह से बन चुका है। तो बन चुकी है हमारी गाजर और सूजी की ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अब चलते हैं दूसरे नाश्ते की तरफ, दूसरे ब्रेकफास्ट की तरफ। इसके लिए मैंने देखिए एक 1/4 कप के करीब सूजी ली है, 1 चम्मच चीनी, 2 काजू और 3 बादाम लिए हैं और 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध मैंने पहले से उबाल के ठंडा करके रखा हुआ है। अब एक बर्तन को हम गर्म कर लेंगे और उसमें डाल लेंगे हम जो हमने काजू और बादाम लिए हैं उनको। इनको थोड़ा सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये हल्का सा ड्राई रोस्ट हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अब हमने जो सूजी लिया है उसको भी
थोड़ा सा हल्का सा हमें ऐसे भुनना है। फ्लेम को हम कम ही रखेंगे ताकि हमारी सूजी जलेगी नहीं और अच्छे से भुनेगी। सूजी को हमें बहुत ही हल्का सा भुनना है, ज़्यादा नहीं करना है इसे, ज़्यादा नहीं भुनना है। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध को देखिए मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी, इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो मैंने दूध यूज़ किया है, एक कप से मैंने थोड़ा सा दूध पहले रख दिया था बचा के, उसको मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि जो हमारी सूजी है, सूजी तुरंत दूध सोख लेगी और ये बहुत ड्राई हो जाएगी, तो बाद में थोड़ा सा और दूध हमें डालना पड़ेगा। इसीलिए देखिए दूध को मैंने थोड़ा रख दिया था, उसको भी डाल दूंगी अब इसमें। हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है और जो हमने बादाम और काजू का ड्राई रोस्ट करके पीसा हुआ था उसको भी डाल देंगे। इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। इसमें आप फ्रूट्स को भी छोटे छोटे काट के डाल सकते हैं अगर बच्चा खाना चाहे तो। तो रेडी हो चुकी है हमारी सूजी की और हमारे जो नट्स है उनका एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। देखिए इसे आप शाम को बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे का पेट भी भरेगा और बच्चे को अच्छा भी लगेगा और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो रेडी है हमारी दो तरह की बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।